तो गाइस काफी देर के बाद हम लोग अंदर आ चुके हैं और यहाँ का लुक देख सकते हैं आप। ये देखिए पंडाल क्या लग रहा है, क्या खूबसूरत लग रहा है देखने में। ओह बाहर से गजब लग रहा है देखने में, बाहर से तो काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। आप अंदर जाके देखते हैं और अंदर जाने के लिए लाइन लगना पड़ता है और लाइन लगने के लिए काफ़ी भीड़ है। ये देखिए लाइन, अब लाइन कितना दूर तक है अभी तक हमको पता नहीं है, लेकिन देखते हैं लाइन कितना दूर तक है। ये देख सकते हैं डबल लाइन है, एक लाइन उधर है एक लाइन इधर है, इतना काफ़ी ज़्यादा भीड़ है इसके वजह से डबल लाइन किया गया है। एक से डेढ़ किलोमीटर का दूर से लाइन लगा हुआ है इस मंदिर को देखने के लिए, काफ़ी दूर दूर से आ रहे हैं, इसीलिए तो बोला जाता है बंगाल का सबसे फेमस पंडाल। गाइस फाइनली हम लोग डेढ़ घंटा के बाद लाइन लगा के उसके बाद हम लोग फाइनली अंदर आ चुके हैं। जो बाहर का लुक देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत लग रहा है देखने में और यहाँ का जो लाइट लगा हुआ है काफ़ी खूबसूरत लगा हुआ है और इसका बाहर का लुक देखिए। ओह बता सकती है कौन सा मंदिर बना हुआ है? नीलकंठ का मंदिर है। कहाँ का है? गुजरात का। गुजरात का नीलकंठ का मंदिर बना हुआ है इसमें, जो देखने में बहुत ज्यादा प्यारा और सॉलिड लग रहा है। यहाँ पे पास जो है कार्ड किस लिए दिखाया जा रहा है, यहाँ पे जो कार्ड दिखा रहा है किस लिए दिखाया जा रहा है? या पुलिस जो है ना, हाँ है। तो इसके लिए अलग है, तो अलग से। अब बाहर में जो 30 रुपया करके ले रहे हैं वो किस चीज का ले रहे? बाहर में जो 30 रुपया करके ले रहे हैं VIP के लिए 30 रुपया रुपया ले रहा है तो मुझे नहीं पता। हाँ बोला था 30 रुपया। सो गाइस हम लोग फाइनली काफ़ी देर के बाद हम लोग अंदर आ चुके हैं और इसका अंदर का लुक दिखाते हैं आप लोगों को। रथ तल्ला, ये कचरा पड़ा रथ तल्ला मोड़ है और यहाँ का जो लुक देख सकते हैं गाइस काफ़ी खूबसूरत है और यहाँ पे एक तालाब बना गया है जो देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और देखिए ओह माय गॉड क्या लग रहा है। गुजरात का स्वामी नारायण मंदिर है, जो आप लोग गुजरात में अगर कभी गए होंगे तो देखे होंगे, वही मंदिर यहाँ पे बनाया गया पिंडाल के तौर पे। यहाँ पे देख सकते हैं जो पानी का फुहारा है इधर से नीचे से निकल रहा है और देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है इधर से। उसके बाद यहाँ से अंदर जाके दिखाते हैं आप लोग को यहाँ का लुक किस तरह से है। गाइस देख सकते हैं यहाँ पे छोटा छोटा मंदिर बनाया गया है, यहाँ पे शिवलिंग रखा गया है और यहाँ पे देखिए अब एक और मूर्ति रखा गया है। तो यहाँ से छोटा छोटा मंदिर बनाया गया है जो देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है और इधर से देखिए ओहो क्या लग रहा है। तो गाइस बाहर में तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है लेकिन अंदर में उतना क्राउड नहीं है, ज़्यादा भीड़ नहीं है। तो यहाँ से देख सकते हैं अंदर आने का रास्ता है और यहाँ से लेकर इधर बाहर निकलने का रास्ता बनाया गया है, जो इधर से ज़्यादा भीड़ नहीं है, आराम से आदमी निकल सकता है। तो
गाइस देख सकते हैं यहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ है। और सो गाइस अंदर में जो दुर्गा माँ का मूर्ति रखा हुआ है भी काफी ज्यादा खूबसूरत है। और इधर देखिए छोटा छोटा जो मूर्ति जो बनाया गया है सब लकड़ी का बनाया गया हुआ है जो देखने में काफ़ी खूबसूरत है। और छोटा छोटा जो काम किया गया है बारीकी का और ऊपर का ये सब लुक देखिए जो देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। कलरफुल जो बनाया गया है छोटा छोटा मंदिर और छोटा छोटा लकड़ी का और देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। ये सब देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं यहाँ पे हर साल की तरह। इस साल भी यहाँ पे जो रतल्ला मोड़ है यहाँ पे जो अच्छा सा पंडाल बनाते हैं और यहाँ पे देखने के लिए काफ़ी दूर दूर से आते हैं, इसीलिए तो ये रतल्ला का नाम है यहाँ पे कचरा पर। तो गाइस इधर से हम लोग को जाने नहीं दिया उधर से, वहाँ से हम लोग को थोड़ा सा वीडियो बनाने के लिए हम लोग को जाने के रिक्वेस्ट कर रहे थे गाइस, लेकिन वहाँ से हम लोग को जाने नहीं मिला। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं गाइस काफ़ी खूबसूरत लग रहा है और देखने में गोल्ड कलर का और इसी इसमें और लाइटिंग जो लगा हुआ है इसमें और देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और इधर पानी का भी लुक देखिए। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पंडाल के बाहर में मेला लगा हुआ है जो दुकान काफ़ी सारा दुकान लगा हुआ है। इधर मोमोज का दुकान लगा हुआ है और इधर भी खाने पीने का दुकान काफ़ी ज़्यादा दुकान लगा हुआ है। तो आप लोग पंडाल घूमने के बाद यहाँ पे आराम से आके बाहर में खा सकते हैं। और इधर चाय का भी स्टॉल लगा हुआ है जो तंदूरी चाय है। क्या पीस दे रहे हैं? 5 पीस। अंडा फ्राई मोमोज कितना का है? 60। फाइनली दोस्तों ये ले लिया मोमोज। क्या ये वेज है? तेरा वाला ले। ये फ्राई मोमोज, ये गाइस चाइना का मोमोज जिसका बाल निकला है सब तरफ से। कहाँ का है? चाइना का मोमोज। भाई खाकर कोरोना मत ले लियो, खाकर टेस्ट करके बता कैसा है। गरम है देखना। तो गाइस ये है छोटा सा वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो फिर से। देखो एक बात मेरा गंजी लाल, यूट्यूब लाल और सब्सक्राइब का बटन लाल, तो लाल होना चाहिए एकदम। नेक्स्ट पंडाल और दुआ अभी भाई ये पूरा झटका वीडियो आने वाला है, पूरा झटका। अभी हम लोग जा रहे हैं अभी पैकिंग चल रहा है, कैमरा वैमरा का पैकिंग करने के बाद हम लोग जा रहे हैं दूसरा जगह। बाय गाइस।